feels great. Any award to be a part of it is a good experience. You feel very good that you're attending, you being a part of the awards. So it's always nice. Yeah, it is a brand award. It's Golden Glory Awards 2019. Of course, thoda sa different hai from the TV awards, from the film awards. But this is also an award where one comes under one roof and enjoys. So, ek actor ke liye bahut acha hota hai jab aap attend karo, aap present karte ho award, ki aapko award milta hai. So it only enhances and only you know, makes you gives you more power. खतरों के खिलाड़ी में मैंने बहुत एंजॉय किया है. मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, पर बहुत पर्सुएशन के बाद मैंने बोला चलो, इतने सालों के बाद मैंने बोला चलो मैं कर लेती हूँ खतरों के खिलाड़ी. लेट मी फाइट ऑल माय फियर्स एंड फाइनली आई डिड इट एंड आई लव्ड इट. अब ये शो ही ऐसा है जहाँ आपको फिजिकल मेंटल स्ट्रेस बहुत है. तो फिजिकल स्ट्रेस तो डेफिनेटली बहुत था. आई वॉज कम्पीटिंग विद ऑल द स्ट्रॉन्ग बॉयज़ एंड स्ट्रॉन्ग गर्ल्स. तो अगर कम्पीट करना है, फास्टर करना है, तो आपको थोड़ा सा तो फिजिकल ब्रूजेस लेने ही पड़ेंगे. सो या आई थिंक सारे के सारे बहुत अच्छे थे. धर्मेश जो हमारे धर्मेश सर है DID के, वो आई थिंक मेरे टफ कॉम्पिटिशन थे. बिग बॉस 13 में, बिग बॉस 8 किया था. लुक्स लाइक सीम्स लाइक सच अ लॉन्ग टाइम. सारे कंटेस्टेंट्स को मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी. आई डोंट नो कौन जा रहा है एक्सेप्ट वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड, शी इज़ गोइंग. सो मैंने ऑलरेडी उनको ऑल द बेस्ट बोल दिया है. एंड इट्स अ टफ शो. आई थिंक बिग बॉस इज टफर देन खतरों के खिलाड़ी. मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है. एंड या इट्स स्टार्टिंग. आई विल बी एंटरिंग एंड टॉकिंग टू देम ऑल्सो सून. मैंने कोई लुक टेस्ट नहीं दिया है कमोलिका के रोल के लिए. ऑफकोर्स ऑफर्स तो सारे एक्ट्रेसेस को आई थी, बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग रोल एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ओब्लाइज्ड दैट बालाजी थॉट दैट आई एम अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. एंड ऑफर आई थी, बट बिकॉज आई एम कमिटेड टू समथिंग आई कुडंट डू इट. बट मैंने लुक टेस्ट नहीं दिया है. हाँ जी, सक्सेस पार्टी में आई थी, बट बिकॉज मैं बल्गेरिया में थी, शूटिंग कर रही थी, तो मैंने इतना फॉलोअप नहीं किया है. बट आई नो अनीता एंड रोहित आर देयर, दे आर देयर. प्रिंस एंड युविका मैंने सुना है बहुत अच्छा कर रहे हैं. तो या आई रियली लाइक देम एज अ कपल. आई एम अवॉर्डेड टू नाइट. आई एम वेरी एक्साइटेड. हर एक्टर को आप नॉमिनेट अगर होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और जीते तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है. सो आई रियली होप दैट आई विन. थैंक यू.